यंग लग रहे हैं ना। पता है क्यों लग रहे हैं? दादू ने आज बाल कलर क्यों करवाए हैं? क्योंकि कल पापा का बर्थडे है। अच्छा, आपको पता है? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मैं तो कब से प्लानिंग कर रही हूँ, आपने प्लानिंग कर रखी है क्या? बहुत सारी करी हुई है। अच्छा, क्या क्या प्लानिंग करी मैं आपने? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, कि बस हमें डेकोरेशन करने सब मैंने सोच लिया। लेकिन लॉकडाउन है, डेकोरेशन कैसे करेंगे अपन? सामान तो मिलेगा ही नहीं। सुबह खुलती है क्या शॉप? ये बताओ। हाँ। वैसे सामान राशन का मिल जाता है, दूध सब्जियाँ ये मिलती हैं। तो कल अपन ट्राई करेंगे। कल अपन मेरे करने, कल हमें पापा गए थे, पता नहीं कब गए थे सामान लेने। सुबह सुबह तो गए थे ना। अच्छा, तो कल मिल जाएगा सामान। तो क्या क्या लाएंगे अपन ये बताओ? वो ये बैलून और हैप्पी बर्थडे वाला, बाकी तो हम फ्लावर से सजाने वाले हैं ना। आपको आता है फ्लावर से सजाना? हाँ, मैंने बताया था ना, वैसे ऐसे 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 गोल। कैसे? गोल गोल तो करना है हमें, साइड पे गोल गोल, बस जो फोर तरफ गोल गोल करना है। माँ मुझे बताओ, पापा बचपन में कैसे करते थे? पापा पापा आपकी तरह नोटी नहीं थे। आप नोटिंग कर लो ना। पापा तो बिल्कुल शांत रहते थे, ज्यादा शरारते भी नहीं करते थे और खूब स्टडी भी करते थे। आप ये बताओ, आप पापा के लिए ना, कोई कल पापा का बर्थडे है, आप कोई अच्छा सा गाना सुना दो पापा के लिए। फिर मैं बताऊंगी पापा के बारे में, पहले आप पापा के लिए कोई गाना बताओ अच्छा सा। तो आपने कौन सा गाना सोचा हुआ है ये बताओ? सबसे प्यारा कौन है? पापा। बस एक ही लाइन पूरा सुनाओ। पूरा तो है। चंदा ने पूछा तार। अच्छा, चलो आप बोलो, सुनाओ सुनाओ। मैं पूरा सुना रही हूँ, आप सुनते नहीं। ओके बोलो। सबसे प्यारा कौन है? पापा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे चांद कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ठीक है ना? डेकोरेशन तो मैं कर लूंगी, लेकिन आपने पूछा था ना कि आपके पापा की कहानी सुनाओ कुछ। हाँ। वो बताऊं क्या आपको? हाँ। आपके पापा का जन्म ना बीकानेर में हुआ था, वो भी निक्कू से थे, गोदी में ऐसे खिलाते रहते थे उसको। कभी हम नानी के जाते थे, कभी दादी के जाते थे, ये सबका लाडला, सब खिलाते थे इसको, है ना? जैसे आपको भी खिलाती है, खिलाती है ना सबको। तो 5 साल तक तो खूब मौज मस्ती आपने भी की है ना? और ना आप तो जैसे स्कूल जाते हो, मैंने तो इसको स्कूल में भी एडमिशन नहीं दिलाई थी। नर्सरी, LKG, UKG, मैंने घर ही इसको पढ़ाया था। और इसको फिर फर्स्ट में एडमिशन दिलाई थी। आपको भी पढ़ाती हूँ ना, आपको अच्छे से ऐसे ही पापा को पढ़ाया था। तो 1 से 5 साल तक तो मैंने इसको ऐसे ही पढ़ाया, फिर मैंने फर्स्ट में इसको एडमिशन दिला दी थी। स्कूल में भी ना ये चुप ही रहता था, शांत, बस अपनी पढ़ाई कर ली, थोड़ा खेल लिया, घर आकर थोड़ी मौज मस्ती कर ली। 5 to 10 years तो ऐसे ही पढ़ते लिखते बीत गए। फिर 11 to 15 years के हुए, उसके बाद थोड़ी सी टेंशन हो जाती है ना पढ़ाई की, फिर मैं कहती थी पढ़, चल पढ़, पढ़ाई कर,
ट्यूशन भी भेजती थी इसको, क्योंकि टेंथ में तो फिर ट्यूशन रखनी पड़ती है ना, फिर ये ट्यूशन। लेकिन मेरी तो अभी भी लगी हुई है, लेकिन मम्मी मुझे भेजती नहीं है और मैं खुद भी नहीं जाती। हाँ, लेकिन आप तो अभी छोटे हो ना, आपको तो कोई भी पढ़ा सकता है। टेंथ के बाद तो फिर ट्यूशन जाना पड़ता है ना, फिर वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी हो जाती है ना। उसके बाद प्लस टू के बाद कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाई, फिर वहाँ खूब पढ़ता था। इन्होंने ना एक वन एक्ट प्ले भी किया था, बड़ा मजा आया था। मैं भी गई थी मरुधर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं और दादू देखने के लिए, बड़ा ही मजा आया था। और फिर उसके बाद फिर नौकरी करने लग गया जब 20-25 इयर्स का हो गया। 20 और 25 इयर्स का हुआ, फिर इसने अपना चैनल भी खोल लिया, शर्मा जी टेक्निकल। उसमें चैनल भी खोल लिया और शादी भी हो गई, और फिर उसके बाद आपका जन्म हुआ, और फिर बाद में मेरा भी बन गया चैनल। हाँ, फिर वर्चस्वी का भी बन गया, फिर शर्मा जी इन्फिनिटी चैनल भी बन गया। ओ, मेरा चैनल तो पिछले साल ही बना हुआ है। फिर बेंगलोर से पापा आए दिल्ली, दिल्ली में भी तो 5 इयर्स रहे। फिर एक आपको बात बताऊं, मैं हमारा सूरतगढ़ आए हुए थे ना हम सब, और मैं जब छोटी सी थी, मैं गोदी में रहती थी, बिल्कुल मम्मी पापा के पास नहीं आती थी, और मैं अब मैं सोती नहीं हूँ। तो मम्मी पापा के पास नहीं आते थे तो किसके पास आते थे? आपके पास? मेरे पास होते थे। अरे वाह, वो आप सूरतगढ़ में क्या, आपको छोड़ के जा रहे थे पापा। पापा जो है मम्मी और आपको छोड़ के जा रहे थे, उनको जाना था बेंगलोर, सामान शिफ्ट करना था दिल्ली, इसलिए भी मैं 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, इसलिए रह लेंगे। फिर हम गए थे दिल्ली, वो पहला कौन सा घर था, साकेत में, उसके बाद फिर सद्भावना में, उसके बाद फिर हर्ष विहार में, और फिर यहाँ, फिर आगे हम यहाँ। ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा घर है, यहाँ हम खूब मौज मस्ती करते हैं, लेकिन इस कोरोना ने सारा कुछ खराब कर दिया। लेकिन और खाली एक बच्चों के तो एक गुड न्यूज है। क्या गुड? मैं नहीं बताने वाली हूँ, स्कूल नहीं जाना पता ही है। तो अब जो है, अब पापा कितने इयर्स के हो जाएंगे कल बताओ? मुझे क्या पता। 35 इयर्स के। 35 इयर्स के हो जाएंगे। आप अपने चैनल पे ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? बनाया करो ब्लॉग, वीडियो बना दिया करो, कुछ मर्जी बना दो। लेकिन क्या बनाऊं? अब कल पापा का बर्थडे है, अपन सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन पापा के उस पे लगी, तो आप बता तो दो बच्चों को कि कल हम बहुत धमाल करने वाले हैं। मैंने सारा कुछ सोच रखा। और पापा का नाम क्या है? मैं नहीं बताने वाली, मुझे पता है फिर भी। बता दो पापा के। बता दो प्रवाल तो सब दुनिया कहती है, और पाली कौन बोलता है? माँ। नहीं, पर अब तो लोग शर्मा जी टेक्निकल के नाम से जानते हैं, प्रवाल के नाम से भी लोग नहीं जानते। किस नाम से जानते हैं? शर्मा जी टेक्निकल। और माँ का ये तो बना हुआ शर्मा जी की कहानी। अच्छा, मैंने पापा की आपको स्टोरी सुनाई कि पापा बचपन में कोई शरारती नहीं होते थे, और वो सबका कहना मानते थे, ठीक है, और खूब पढ़ाई करते थे, और बड़ों की रिस्पेक्ट भी करते थे, सबसे प्रेम करते थे, और सबकी हेल्प करते हैं, अभी भी करते हैं। सबको उन्होंने चैनल खोल खोल के दे दिए, है ना, जैसे कि मेरा, मम्मी का, आपका। हाँ, और भी बहुत सारे लोगों को, और जो भी उनके पास आता है हेल्प भी कर देते हैं सबको। क्या बच्चे, तुम भी सबकी हेल्प किया करो। मेरी माजी का, माजी मतलब नानी, क्या मेरी नानी जी का भी खोल दिया,
या सबका खोल रखा है, या बच्चों आप भी खोल लो, कुछ बनाया करो, इंजॉय किया करो। अब कल है वर्चस्वी के पापा और मेरे बेटे और आप सबके शर्मा जी का हैप्पी बर्थडे। तो आपको हमने उनके बारे में कुछ चीजें बताई हैं, आप ध्यान से सुन लेना। बाकी शर्मा जी की कहानी में तो हमने पूरी स्टोरी सुनाई हुई है ना। तो ठीक है कि कल जो है हमारा सेलिब्रेशन देखना मत भूलना। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। बाय।